हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर अब जैसे कि एग्ज़ाम के जिन लोगों का 27 तारीख को है या फिर 30 तारीख को है, सिर्फ 5-7 दिन ही बचे हैं, इस लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ें जीके में ताकि बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। देखो, अब वैसे समय नया पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं है, आप जितना हो सके पुरानी चीज़ों का रिवाइज करें। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, आज भी जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, जिन लोगों ने सीपीयू का एग्जाम दिया उन्होंने बोला कि सर आपके जो मॉक टेस्ट की सीरीज रही है जिसमें मैंने 107 मॉक टेस्ट अभी तक आपको कराए, वहां से हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर में। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप कोई भी एसएससी एग्जाम में बैठेंगे, हमारी जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटेड आपको 30-40% क्वेश्चंस यहां से हूबहू मिल जाएंगे। तो अगर आप सच में जीके में कुछ करना चाहते हैं और अभी भी आपके पास 4-5 दिन है और कुछ लोगों के पास तो उससे भी ज़्यादा दिन है, तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लो। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको बार बार देख लो या फिर रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देख गए तो आपको हूबहू क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही पेपर में मिल जाएंगे जीके के, जो कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि अब आप सब्जेक्टिव पढ़ें, अब टाइम है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के अपने स्कोर को इम्प्रूव करना। बात करंट अफेयर्स का है कि सर करंट अफेयर्स कब तक आएगा, तो आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है एग्जाम में वो पूछेगा सिर्फ अक्टूबर तक। तो 31 मतलब जो है अक्टूबर जो आप लोगों का है, यहां तक आप करंट अफेयर्स जनवरी से लेके पढ़ लें, मई से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, लेकिन 27 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम होगा वहां से क्लियर हो जाएगा कि करंट अफेयर्स का ज्यादा फोकस कहां रखता है, मई से बाद में या जनवरी से उधर, वो मैं उस दिन आपको सभी को कवर करा दूंगा। लेकिन मई से अक्टूबर पे तो पूरे ध्यान से चीजों को कवर करते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो ध्यान देना है वो मैथ्स की और मेरी जो मैथ्स की सीरीज है उस पे, और दूसरा आप लोगों को ध्यान देना है रीजनिंग पे। मैथ्स और रीजनिंग में मैंने आप लोगों को टारगेट क्या दिया है, 40 में से 35। उसके लिए मैंने आप लोगों को लगभग 15-16 वीडियो करा दी है टेस्ट सीरीज टाइप में, तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो भी आप आराम से 15 में से 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, 10 क्वेश्चन बड़े प्यार से बना लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो थोड़ा सा उसको अच्छे से देखो, ट्राई करो आगे कवर करते हुए चलो, तो आप मैथ्स के लिए उस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लो। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरी सीरीज है 15 टेस्ट की, अगर अच्छे से कर लिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगी। रीजनिंग मैं आपको प्रैक्टिस कराई है पहले भी, वो भी अवेलेबल है, उसका सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब जीके के लिए मैं फिर से बताता हूँ, उस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सा लोगों का सवाल था कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास जो है करंट अफेयर्स के आपके पेपर में पूछने ही वाला है, तो इन 15 क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करो, ये आप लोगों को अच्छा स्कोर भी दिला सकते हैं। तो अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कवर करना चाहते हो, उसके लिए आप करंट अफेयर्स खरीद भी सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए ही आपको पे करना, बाकी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज में, मेरा नंबर है 7827034344, इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके सिर्फ 199 रुपए में जनवरी से अब तक के करंट अफेयर्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस नंबर पर वो स्क्रीनशॉट भेज देना 7827034344 पर, और मैं आपको करंट अफेयर्स भेज दूंगा अच्छे से, अगर पढ़ सकते हो तो वहां से बाहर करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।